ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का नाम चौंकाने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पंजाबी वोट बैंक के चलते कांग्रेस को सिद्धू की याद आ ही गई, जबकि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के दौरान सिद्धू की डिमांड होने के बाद भी उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई थी। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही वायनाड सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस लिस्ट में शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट, तो मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभावी भाषण भी दिल्ली की जनता को सुनने को मिलेगा। राजस्थान के सीएम गहलोत के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी का नाम भी लिस्ट में शामिल है। इनके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर के नाम भी सूची में शामिल किए गए हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, दिल्ली के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल, दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के नाम भी सूची में शामिल हैं। पंजाब के नेता और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय बाद कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। उनके भाषण और बोलने का अंदाज जनता में खूब पसंद किया जाता है। दिल्ली में पंजाबी वोटर्स की भारी तादाद को देखते हुए भी उन्हें लिस्ट में शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बिहार के कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर की भी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। गौरतलब है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को मतदान होगा, 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे और 15 फरवरी तक सरकार का गठन होना तय है। इस चुनाव में एक और आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता वापसी के प्रयासों में लगी है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है। बीजेपी 67 सीटों तो कांग्रेस 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं राजद 4, जदयू 2 और लोजपा 1 सीट पर ताल ठोक रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।